नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ काविंद चौहान। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सरकार के 5 साल नए इरादे, युवा सरकार, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में लगभग 74 करोड़ 32 लाख की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें से 41 करोड़ 45 लाख के शिलान्यास और 32 करोड़ 87 लाख की योजनाओं के लोकार्पण शामिल है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट और 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को मोबाइल टैबलेट भी बांटे हैं। यहाँ से मेरा नाता है, रिश्ता है, मैं यहाँ बड़ा हुआ हूँ, यहाँ से हमेशा खड़ा हुआ हूँ। यहाँ के लोगों ने मुझे खड़ा करने का, कहीं और जाने का कोई प्रश्न ही नहीं। पांच सालों में लगातार जितनी भी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से जो है विकास हुआ है, अभूतपूर्व से योजनाएं आगे बढ़ी हैं। और हमने आज वही संकल्प है हमारा कि हम उत्तराखंड का जो विकास है, विकल्प रहित संकल्प के मंत्र को एक मानते हुए, उस मंत्र को मूर्त रूप देते हुए हम आगे बढ़े। 5 साल ये अभूतपूर्व रहे हैं। इसमें सामान्य गरीब व्यक्ति से लेकर प्रदेश को ऊंचाई तक ले जाने के लिए सब प्रकार के काम हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और प्रदेश में ये डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, उसके कारण उत्तराखंड का चौमुखी विकास आज हो रहा है। उत्तराखंड आने वाले दिनों में जब 25 साल का होगा तो उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाए, देश के विकसित राज्यों में गिना जाए। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं चल रही हैं। प्रदेश सरकार ने अनेक प्रकार के जनहितैषी काम प्रारंभ किए हैं, चाहे स्कूलों के क्षेत्र में हो, चाहे हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, नए नया डेवलपमेंट करने के क्षेत्र में हो, कर्मचारियों के क्षेत्र में हो, युवाओं के क्षेत्र में हो, किसानों के क्षेत्र में हो, इस सब क्षेत्रों में काम हो रहा है। उत्तराखंड में आज धामी सरकार ने 5 साल पूरे किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज ये सभी विधानसभाओं में एक कार्यक्रम किया है कि हमने 5 साल में क्या किया है। 5 साल का लेखा जोखा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने खटीमा से सभी विधानसभाओं को संबोधित किया है और स्थान स्थान पर सभी माननीय मंत्रियों ने, विधायकों ने भी अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम में हिस्सेदारी की है। यहाँ पे बहुत सारी सड़कों के, कुछ विद्यालय भवनों के और करोड़ों की योजनाएं हैं जिनका यहाँ पर आज लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इसके अतिरिक्त बहुत सरकार की योजनाएं हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चमोली से हमारे संवाददाता पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कर जी, ये बताइएगा कि ये नई योजना, नए इरादे, युवा सरकार, क्या ये आखिरी स्टंट है चुनाव से पहले ताकि वोटरों को लुभाया जा सके? बिल्कुल, देखिए काविंद्र, आपने सही और सटीक प्रश्न हमसे किया है चमोली से। तो काविंद्र, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड की जो सरकार है, वर्तमान सरकार जो है भाजपा की यहाँ पे है, तो आज जो 70 की 70 विधानसभा में वर्चुअल के माध्यम से जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उसने समीक्षा बैठक की है कि प्रत्येक विधानसभा में जो क्या काम हुआ है, कितना काम उसका देखा जो है, मुख्यमंत्री ने खटीमा से जो है उसको लाइव वर्चुअल के द्वारा जो है इनका शुभारंभ किया गया। अगर जनपद चमोली की बात करूँ काव्यंजन, तो जनपद चमोली के चाहे अपना ग्रंथराज विधानसभा हो या खराड़ी विधानसभा हो या बजरा विधानसभा हो, तो तीनों विधानसभाओं पे यहाँ पे कार्यक्रम किए गए और जनता को लुभाने का यहाँ पे एक अच्छा सा मैसेज जो है देने की कोशिश यहाँ पे की गई। जो पाने और जो 5 साल है, 5 सालों में जो विकास जो है, जो डबल इंजन की सरकार है उसने यहाँ पे किया है, उसको लुभाने के लिए तमाम सारी भीड़ें यहाँ पे जुटाई गई, तमाम सारे यहाँ पे लोगों को चेक दिए गए, रिस्क चेक दिए गए। तो एक तरफ जो चुनावी मौसम है, चुनावी साल है, तो कहीं ना कहीं चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम सारे लोग जो है जनता को लुभाने के कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज ठीक उसी प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से खटीमा से लगातार लाइव वर्चुअल के द्वारा जो है 70 की 70 विधानसभाओं की समीक्षा की और जाना कि क्या हाल है 70 की 70 विधानसभाओं का, तो कहीं ना कहीं अब चुनावी दौर है, चुनाव में जाना है, तो कहीं ना कहीं जनता को जो लुभावने वादे किए गए, 18% जिंदे उतरे हैं, ये भी समीक्षा की गई, जो घोषणाएं हुई है, घोषणाओं का कितना कार्य प्रारंभ किया गया, कितने बाकी है, तो कहीं ना कहीं अब चुनावी साल है तो जनता को लुभाना है। तो ठीक जो तस्वीरें कह रही हैं, 70 विधानसभाओं की जो तस्वीरें दिखा रही हैं, वो ये है कि नए इरादे, युवा सरकार
का जो योजना है उसके तहत युवाओं को भी लुभाने की अलग से कोशिश की गई है। ये देखिए बांटने का जो सिलसिला है, मोबाइल टैबलेट ये सब भी बांटे गए हैं, ये युवाओं को काफी भाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल काबिल, आपने युवाओं की बात करी तो पुष्कर सिंह धामी जो युवा मुख्यमंत्री हैं उनका संक्षिप्त लगातार जो है टावर तोड़ जो दौरे कर रहे हैं, चाहे चमोली हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो, चाहे खटीमा हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे उत्तरकाशी हो, तो तमाम सारे जिलों का यहाँ पे इन्होंने दौरा किया है। लोगों ने वादे किए हैं, टैबलेट दिया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, आज जो है उनके अकाउंट में पैसा भी डाला है, तो कहीं ना कहीं लुभाव ने बाधे तो किए हैं। लेकिन दरअसल क्या बात, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा, कावे में 2022 में जो किसकी सरकार बनती है, जनता किसको चुनती है, उनको आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चुनावी साल में लगातार जो है वादे और जो कार्यक्रम है इसका जो है खूब जो है जनता के बीच जाकर जो है, चाहे डबल इंजन की जो डबल इंजन की सरकार है उसके कार्यक्रम हो रहे हों, कार्यो को जो है लगातार से, चाहे प्रधानमंत्री की जो भी योजना हो, चाहे रोजगार योजना से लेकर हो, चाहे मुख्यमंत्री की योजना हो, चाहे कैबिनेट वितरण से हो, तमाम सारे काम जो भाजपा की सरकार ने उत्तराखंड में किए, तो उसका जो है वर्चुअली माध्यम से आज जो है शुभारंभ किया गया। और विधानसभाओं का जो समीक्षा पत्र थी, उत्तर विधानसभाओं का यहाँ पर समीक्षा की गई। और युवाओं को लेकर आपने सच्ची किया कारण, तो युवाओं ने इस समय भटकर कर हिंसा किया, क्योंकि कैबिनेट वितरण किया गया, तमाम सारे ऐसे वादे किए गए और 24,000 से ऊपर की नौकरियां जो है युवा मुख्यमंत्री की घोषणाओं में दी, बिल्कुल आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ होना है। चलिए तमाम जानकारी को बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुष्कर जी। तो चुनाव सर पर हैं, ऐसे में लोकार्पण की शिलान्यास की तो बयार है ही है, साथ ही जनता को लुभाने के लिए, युवाओं को लुभाने के लिए बांटने का सिलसिला जो है, बांटने का क्रम जो है वो भी शुरू हो चुका है। दिनेशपुर के जयनगर गांव में उत्तराखंड सरकार के 5 साल पूरे होने पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की तरफ से गदरपुर में बस अड्डा का शिलान्यास किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लाइव प्रसारण प्रसारित किया गया। इसके साथ साथ शिविर में कई विभागों के स्टॉल लगाए गए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे विकास कार्य के अलावा देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। तो दिनेशपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने शिरकत की। अरविंद पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे विकास कार्य के अलावा देश को एक अलग ऊंचाइयों तक पहुंचाने का भी काम किया है। दिनेशपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर वर्चुअली आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री वो भी जुड़े थे, उनका लाइव प्रसारण भी किया गया था। इसके साथ ही शिविर में कई विभागों के स्टॉल भी लगाए गए थे, साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे भी वहां पहुंचे और उन्होंने शिलान्यास भी किया है। जिन इलाकों में नेता पहले वोट मांग के चले जाते थे, कभी उन इलाकों की चिंता नहीं किया करते थे। हमने कोशिश की है कि सरकार के प्रभाव को, जो गरीब जनता की सरकार है, इसको इसका लाभ मिलना चाहिए। इसी नाते चाहे दिनेशपुर का इलाका हो, चाहे गुलरभोज का इलाका हो, चाहे कालीनगर का हो, चाहे जयनगर हो, इन इलाकों में सरकार की एनर्जी को हमने पहुंचाने का काम किया है, ताकि आम जनता को इन बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से इसका लाभ मिल सके। भगवानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भगवानपुर विधायक ममता राकेश की तरफ से एक ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से काफी लोगों की जान गई, जिसको लेकर उन्होंने भगवानपुर औद्योगिक एसोसिएशन से बात की और एक ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की बात की है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट में कुछ पैसा भगवानपुर औद्योगिक एसोसिएशन से और कुछ पैसा विधायक निधि से खर्च किया गया है। कैसे में ऑक्सीजन प्लांट का आज शुरुआत की है, इसका लोकार्पण हुआ है। जब कोरोना की दूसरी लहर आई, उस समय ऑक्सीजन की कमी से बहुत से लोगों की जान गई, तो उस समय हमने फैसला किया और हमने भगवान औद्योगिक एसोसिएशन से बात की। उन्होंने हमारे प्रस्ताव को सहज स्वीकार करते हुए तुरंत स्वीकृति दे दी और तभी से भगवानपुर सीएसटी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्य हो रहा है।
ऋषिकेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जोश में दिखाई दिए। उन्होंने राज्य में बीजेपी सरकार के 5 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान करोड़ों रुपए के विकास कार्य ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में कराए जाने का दावा किया है। माना जा रहा है कि लगातार कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे सवालों के जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ने अपना पलटवार विकास कार्य गिनवाते हुए किया है। तो ऋषिकेश से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां करोड़ों रुपए के विकास कार्य का दावा किया गया है और साथ ही साथ जोश में दिखे हैं विधानसभा अध्यक्ष। तो ऋषिकेश से आपको एक खबर दिखा रहे हैं जहां विधानसभा चुनाव को लेकर स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल जोश में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने राज्य में बीजेपी सरकार के 5 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान करोड़ों रुपए के विकास कार्य ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में कराए जाने का दावा किया है। माना जा रहा है कि लगातार कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे सवालों का ये जवाब है जो उन्होंने विकास कार्य गिनवाए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी सरकार का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने 5 वर्ष तक बहुत ज़बरदस्त अभूतपूर्व विकास कार्य पूरे उत्तराखंड में किए और मेरे विधानसभा में तो आपने देखा कि जिस प्रकार से चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। और मैं समझता हूँ कि 2012 से 17 में जब कांग्रेस की सरकार थी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा विकास कार्य मैं नहीं कर पाया था और संकल्प लिया था मैंने 2017 के स्टार्टिंग में कि मैं इस बार 5 वर्ष के कार्यकाल में 10 वर्ष का कार्य जो है करके दिखाऊंगा। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल चुनाव के चैलेंज पे खड़ा हूँ, लगभग 5 गुना ज़्यादा काम, 5 गुना ज़्यादा काम मैंने इस बार इस कार्यकाल के दौरान किया है। मैं यदि मैं अपनी बात करूँ, 60 करोड़ से ज़्यादा तो लोक निर्माण विभाग से और 35 करोड़ के ज़्यादा से हमने लाइट में और लगभग 150 करोड़ से लागे से पेयजल का काम हमने किया है। थराली विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व विधायक प्रोफेसर जीतराम की सशक्त दावेदारी के साथ ही पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेश त्रिकोटी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रताप राम और संदीप पटवाल संभावित दावेदार उभर कर सामने आए हैं। नारायण बगड़ विकास खंड के अंजलि लॉज में कांग्रेस पर्यवेक्षक कुलदीप पठानिया की देखरेख में पिंडर घाटी के 3 ब्लॉकों की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के साथ पठानिया ने कांग्रेस और उसके प्रत्याशियों की मजबूत जीत के लिए महत्वपूर्ण हिदायतें दी हैं। कांग्रेस ने लोकतंत्र के प्राप्त करने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, फांसी के तख्ते चूमे हैं। तो यही इसको लोकतंत्र कहा जाता है कि जो भी हमारा कार्यकर्ता है, चाहे छोटे से छोटा है बड़े से बड़ा है, वो टिकट मांगने का उसका है और टिकट किसको मिलता है ये हाई कमांड ने उसके सर्वे करती है और सर्वे करके वो फैसला करती है। हमारा यही निवेदन होता है कि फिर सबको इकट्ठे होकर पार्टी के जो कैंडिडेट आएगा उसको जताना चाहिए क्योंकि आजकल उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बन रही है 2/3 मेजोरिटी। आदरणीय पठानिया जी, उनकी अध्यक्षता में आज यहाँ पर बैठक आयोजित की गई थी हमारे विकास खंड नारायण बगड़ थराली और देवाल के और थराली विधानसभा की नंद प्रयाग और घाट की। परसों उन्होंने वहाँ मीटिंग ली और इसमें कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने के बाद कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करने के लिए अपने टिप्स दिए और उन सारे टीमों पर हमारे कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई। आज कांग्रेस पार्टी के विधानसभा की बैठक थी, आज बलभारी जी का कार्यक्रम लगा था इस बैठक में और पर्यवेक्षक जी ने हम सब लोगों को आश्वस्त किया कि जितने भी दावेदार पार्टी के इस बार 2022 के लिए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने भी अपना पर्चा भरा हुआ है और हाईकमान से अनुरोध किया है कि कार्यकर्ता को उसका मान सम्मान मिले। भारतीय जनता पार्टी के जो 5 साल की नाकामियां रही हैं, जो जनता की जो मांग थी उसको जो है नकारा गया है भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा, जो जनहित के मुद्दे थे। आप इसी घाट इसी थराली विधानसभा में देख लीजिए, घाट के लोग जो है 1.5 लेन सड़क की मांग को लेकर के विधानसभा तक गए थे, उनको ने सड़क तो दी नहीं, माताओं बहनों को जो है सड़क में लेटा लेटा के पीटा गया। आज जो है मुकदमे उनके ऊपर किए गए हैं, समझ लिया जाए तमाम स्तरों के, एक ही नहीं है, बहुत बड़ी समस्याएँ हैं।
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चमोली के सभी 18 मंडल मुख्यालयों में पंजाब कांग्रेस सरकार का पुतला फूंका है और कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाकर जोरदार आक्रोश व्यक्त किया। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा काफिले में जिस तरह से सेंध लगी थी उस पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भारी आक्रोश व्यक्त करते हुए बस स्टैंड गोपेश्वर में पुतला दहन किया। वहीं जिले के सभी मंडल मुख्यालयों में भी पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट ने कहा कि लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है कि चुनी हुई सरकार और सरकार के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री जैसे मुख्य सेवक की सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर सकते, तो ऐसी सरकारों से क्या अपेक्षा की जाए कि वो जनता की क्या सुरक्षा कर पाएंगे। उत्तराखंड के काशीपुर में पूर्व सीएम हरीश रावत की जनसभा के दौरान प्रतापपुर निवासी एक युवक गमछा डाले चाकू लेकर मंच पर पहुंच गया। उसने जय श्री राम के नारे भी लगाए। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। हालांकि मंच पर चाकू निकालने के दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत मौजूद नहीं थे। बता दें कि युवक जनसभा के शुरू होने के समय मंच के आसपास था। प्रतापपुर निवासी एक युवक पिछले कुछ दिनों से अपना प्रार्थना पत्र लेकर पुलिस के पास जा रहा था। उसका कहना है कि 8 लोगों ने उसकी मजदूरी की रकम नहीं दी। पहले भी वो टावर पर चढ़कर खुद को आग लगाने की कोशिश कर चुका है। बृहस्पतिवार को वो पूर्व सीएम हरीश रावत की जनसभा में पहुंच गया। इस दौरान वो मंच पर चढ़कर नारे लगाने लगा और पैंट से चाकू भी निकाल लिया। हालांकि तब मंच पर पूर्व सीएम हरीश रावत मौजूद नहीं थे। केदारनाथ विधायक मनोज रावत की पहल से आजादी के बाद से अभी तक शहीद हुए 30 वीर सैनिकों की मूर्तियां लगाई जा रही हैं। इसका शुभारंभ सेना मेडल प्राप्त राइफलमैन उमेश चंद्र नौटियाल की मूर्ति के अनावरण के साथ किया गया। शहीदों के सम्मान में केदारनाथ विधायक मनोज रावत की अनूठी पहल के तहत अमर शहीद राइफलमैन उमेश नौटियाल की मूर्ति का अनावरण ऊखीमूठ तहसील के अंतर्गत परकंडी गांव के रायंका में किया गया। बता दें कि केदारनाथ विधायक की तरफ से शहीद सैनिकों के सम्मान में उनकी मूर्तियों को उनके गांव के विद्यालयों में लगाया जा रहा है। ये उमेश चंद्र बहुत कम उम्र में 23 साल की उम्र में शहीद हुए थे और इनसे ही हमारा प्लान आया। इनके पिताजी स्वर्गीय घनानंद नौटियाल साहब जो सूबेदार भी आर्मी के रिटायर्ड थे, उन्होंने एक बार ये विचार रखा। तो जब ये पहली तो उसके बाद मुझे पता चला कुछ शहीदों ने और मुझे अप्रोच किया, तो मेरी विधानसभा में कुल लगभग 30 शहीद जो भारतीय सेना से हैं और एक बीएसएफ के कमांडेंट बीरेन्द्र प्रसाद पुरोहित साहब हैं, तो इनकी मूर्तियों को लगाने का हमने निश्चय किया। तो ये सभी मूर्तियां मेरी विधानसभा के अलग अलग स्थानों पे जहां से ये शहीद संबंधित थे जो युद्धों में या ऑपरेशंस में शहीद हुए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्शना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा कोई भी छात्र
आईएएस जैसी एग्जाम की तैयारी या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I am currently serving as assistant commissioner for cane and sugar department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for the venture Vedanta and I just good afternoon everyone. My name is Shivani Tripathi. I'm posted as assistant commissioner state tax with government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार. Vedanta, an exclusive IAS institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala opposite RIMC main gate, Garhi Cat, Dehradun. Mobile number 9319700579. At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां ब्लॉक द्वारीखाल के अंतर्गत ग्राम लंगूरी निवासी अनिल चौहान जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए देश के लिए बलिदानी हो गए। उनके बलिदान की सूचना मिलने के बाद से ही उनके घर में कोहराम मचा हुआ है। 8वीं गढ़वाल राइफल्स में तैनात ग्राम लंगूरी निवासी अनिल चौहान के बलिदान की सूचना पिता ब्रजमोहन चौहान को गुरुवार दोपहर को मिली। सूचना मिलते ही पिता और माता बेसुध होकर गिर पड़े। जैसे जैसे क्षेत्र में अनिल की शहादत की सूचना मिलती रही, क्षेत्रीय लोग सांत्वना देने शहीद के घर पहुंचते रहे हैं। बड़ी दुखद घटना हुई है। विकास खंड द्वारीखाल के ग्राम लंगूरी से अनिल चौहान, जो देश की सरहद पर फौज में अपनी सेवा दे रहा था, आज शहीद हो चुके हैं। इससे तमाम क्षेत्र में गमगीन माहौल बना है। तमाम क्षेत्र में जो भी सुन रहे हैं, उनके घरों में तांता लग चुका है और इस दुखद घड़ी में हम इस शोकाकुल परिवार के साथ हैं। नमस्कार। आज भारतीय सेना में हमारे पौड़ी जिले द्वारीखाल ब्लॉक से अनिल चौहान जी शहीद हो गए हैं। इस दुख की घड़ी में पूरा द्वारीखाल ब्लॉक उनके साथ है, परिवार के साथ है। जो अनिल चौहान जो गढ़वाल राइफल में सेना में थे, वो आज उनका एक समाचार मिला कि वो शहीद हुए हैं सेना में। इसी रूप से हम दुखी हैं, लेकिन इस देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। उस पुण्य आत्मा को मैं अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। लक्सर के भोगपुर में वन निगम की ओर से खनन पट्टा का आवंटन किया गया है। कहने को तो ये खनन पट्टा वन निगम की देखरेख में चल रहा है। यहाँ कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन इन कैमरों को ज़्यादातर बंद रखा जाता है और ऐसे कई तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे खनन माफियाओं को लाभ पहुँचाया जा सके। वहीं वन विकास निगम अपने कर्मचारी वहाँ कभी कभी ही भेजता है। खनन सामग्री से भरे ट्रैक्टर ज़्यादातर कैमरे के पीछे से होकर गुजर जाते हैं। वहीं वन निगम कर्मचारियों की मिली भगत के चलते खनन माफिया ऐसा कर रहे हैं। पट्टे ऑलरेडी आइडेंटिफाई होते हैं और ये आइडेंटिफाई होने के बाद वन विकास निगम की तरफ से उसमें चुगान का कार्य किया जाता है। उनके अपने गेट होते हैं, वेइंग ब्रिज होते हैं और वहाँ पर उनकी सीमाएं निर्धारित होती हैं, सीमांकन होता है। किस प्रकार के निमित्त है ये आप अगर बताएं और मेरे संज्ञान में आएगा तो निश्चित रूप से।
लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के हल्दूचौड़ इलाके से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं स्थानीय लोगों का अनुमान है कि मृतक उस इलाके का नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों को हल्दूचौड़ स्थित सोयाबीन फैक्ट्री के पास एक व्यक्ति का शव सिंचाई नाले में पड़ा हुआ दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी। खबर पाकर पुलिस लालकुआ क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।